16 जून 2013 को केदारनाथ में जब भीषण आपदा आई थी तो उस वक्त केवल बाबा केदार के मुख्य मंदिर को छोड़कर चारों तरफ जल प्रलय ने तांडव मचाया हुआ था और मंदिर इसलिए सुरक्षित रहा क्योंकि एक शिला ने सैलाब से मंदिर को बचा लिया था। आज इस शिला को दिव्य भीमशिला के रूप में जाना जाता है, पूजा जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए उस रात की वो घटना को बताता हूँ जिसने इस शिला को हमेशा के लिए अजर अमर कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। 11,700 फीट की ऊंचाई पर 2013 में जब भयंकर सैलाब आया तो वहां मौजूद लोगों ने बचने की उम्मीद ही खो दी थी। उस वक्त बाबा के भक्तों को क्या करें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। ऐसे में उन्होंने बाबा केदार के मुख्य मंदिर की शरण ले ली थी। रात भर लोग डर के साए में अपनी जान बचाने के लिए मंदिर में ही थे और चारों तरफ जल प्रलय था। पानी, रेत, चट्टान, पत्थर और मिट्टी के सैलाब ने पूरे केदार घाटी को उजाड़ कर रख दिया था। मंजर ऐसा था कि पानी के सामने कोई नहीं टिक पाया बजाय केदार बाबा के मुख्य मंदिर के अलावा। ऐसा चमत्कार हुआ कैसे, वहां कौन सी शक्ति ने जाने बचाई, ये सवाल बाबा के भक्त तो जानते हैं लेकिन केवल विज्ञान को मानने वाले इस सवाल का जवाब आज भी खोज रहे हैं। केदारनाथ में प्रलय की इस रात के बारे में वहां के साधु संत बताते हैं कि जब भयंकर सैलाब चारों ओर था तो उस वक्त विशालकाय डमरू नुमा चट्टान भी मंदिर के पीछे की ओर आ रहा था, लेकिन वह कुछ ही दूरी पर मंदिर का पीछे का जो इलाका था उससे करीब 50 मीटर की दूरी पर रुक गया और उस वक्त ऐसा लगा कि किसी ने उसे रोक दिया हो। इसके बाद जो हुआ, उसने मंदिर में शरण लिए सभी बाबा के भक्तों को बचा लिया। इस शिला के कारण सैलाब का पानी दो भागों में बट गया और मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इस चमत्कार ने मंदिर में शरण लिए करीब 300 से 400 लोगों की जान बचा ली थी। आज केदारनाथ में यह शिला उसी स्थान पर मौजूद है। प्रलय के 9 साल बाद भी इस शिला को आज पूजा जाता है। अगर आप भी केदारनाथ यात्रा के लिए जाएं और केदारनाथ मंदिर में पहुंचें तो इस शिला के दर्शन ज़रूर करें और इसकी जो महिमा है उसके बारे में ज़रूर जानें। शुक्रिया।